तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं करण जौहर की आ रही मूवी रॉकी और रानी के प्रेम कहानी की, जिसका कि ट्रेलर रिलीज हो चुका है और एक अच्छी वाइब के साथ खत्म होता है। वैसे तो ऐसी फिल्में आज से नहीं बॉलीवुड में जमाने से बनती आ रही हैं, और करण जौहर का डायरेक्शन है तो चीजें बड़ी भी होंगी। जी हाँ, सेट की बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल इसके ट्रेलर की बात कर लेते हैं, बट उसकी बात करने से पहले प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना, और वीडियो अच्छी लग जाए तो एक लाइक कर देना, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, रॉकी और रानी के प्रेम कहानी के डायरेक्टर करण जौहर है, जो ऐसी फैमिली और रोमांटिक फिल्में बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। अगर आपने इनकी कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और ऐ दिल है मुश्किल जैसी फिल्में देखी हैं, तो आपको इनकी डायरेक्शन का पता होगा। करण जौहर की फिल्म है तो इस बंदे से तो कुछ छोटा काम होता ही नहीं है। तो हाँ, इसमें भी हमें बहुत बड़े बड़े सेट और चीजें ग्रैंड लेवल पे होती हुई दिखेंगी, जो कि आंखों को सुकून तो देंगी। मूवी फैमिली के साथ देखने वाली है, और यही बोल के इसको बेचा भी जा रहा है। इसका ट्रेलर भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। मतलब हमने ऐसे टाइप की बहुत सारी मूवीज देख रखी है जिसमें मेन एक्टर को एक दूसरे से प्यार होता है, फिर फैमिली का टेंशन होता है, और उसमें ही कहीं थोड़ी बहुत कॉमेडी भी निकल जाती है, और एंड आते आते थोड़े इमोशनल सीन्स देखने के बाद और थोड़ा बहुत फैमिली ड्रामा देखने के बाद एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है। और इस मूवी के भी सेम ही स्टोरी होने वाली है। मूवी के स्टार कास्ट में दोनों जनरेशन के लोग हैं, मतलब मम्मी पापा के लिए धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन जी हैं, और हमारे लिए रणबीर और आलिया हैं। मतलब दोनों जनरेशन को थिएटर तक खींचने का पूरा प्लान है। मूवी की स्टोरी रणबीर और आलिया की लव स्टोरी से शुरू होगी, और ये दोनों एक दूसरे के फैमिली के साथ 3 महीने रहने वाले हैं, जहाँ पे थोड़ा कॉमेडी भी निकलेगा, और एक टाइम के बाद इन दोनों की फैमिली को इनसे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर क्या, लास्ट में थोड़े इमोशनल सीन और फैमिली वैल्यू की बातों के साथ हैप्पी एंडिंग होगी। पूरे मूवी की ओवरऑल स्टोरी यही होगी। मूवी थिएटर में आ रही है 28 जुलाई को। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप फैमिली के साथ ये मूवी देखने जाओगे या नहीं। इस मूवी की अच्छी बात है इसके गाने, जो कि सुनने में फिलहाल तो अच्छे ही लग रहे हैं। करण जौहर के डायरेक्शन में हमने जो भी मूवीज देखी है, भले ही उनके सर पर ना हो, बट उनकी मूवीज फैमिली को तो कनेक्ट कर ही लेती है, और इस बंदे को भारत के ऑडियंस का पता है कि वो कैसे क्या देखना पसंद करती है। वैसे भी रणबीर और आलिया की जोड़ी ने गली बॉय में अपना कमाल दिखाया ही था, और इस बार भी ये जोड़ी कुछ खतरनाक कर सकती है, क्योंकि पर्दे पे इनको देख के अच्छा तो लगता है भाई। करण जौहर भी अपने बड़े सेट के साथ बहुत टाइम के बाद वापस आए हैं, तो उनके लिए भी ये मूवी एक इम्पोर्टेंट मूवी बन जाती है। अब इसका ट्रेलर देख के तो एक पॉजिटिव वाइब भी आती है। आपको ट्रेलर कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे चैनल ग्रो होने में थोड़ा सा सपोर्ट मिले। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।